जो पठान बाबा का दरगाह है सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, खड़ा होने के बाद करीब एक बित्ते का जगह बचता है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना एमडी आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए दिन एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं हाजी मलंग पहाड़ पर, जो कि अभी मैं जा रहा हूं ट्रैक करने के लिए हाजी मलंग पहाड़ पर मौजूद सबसे ऊंची दरगाह, जो कि ज़मीन से 10 से 12 हज़ार फीट ऊपर मौजूद है ये दरगाह शरीफ, जो कि काफ़ी ख़तरनाक रास्तों से गुजरते हुए वहाँ पर हम लोगों को जाना है। जो कि अभी तक आप लोगों ने देखा 3 से 4 वीडियो में हाजी मलंग दरगाह पर, जो कि रास्तों से आसानी से आप आ सकते थे, लेकिन अभी जब मैं जा रहा हूं ट्रेक करने के लिए पठान बाबा का दरगाह, जो कि जमीन से 10 से 12000 फीट ऊपर मौजूद है, और वहां पे रास्ता भी नहीं बनाया गया है, जो कि ऐसी खतरनाक रास्तों के साथ हम लोगों को वहां पे जाना है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो करते हैं शुरुआत। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि काफी डेंजरस रास्तों से साथ हम लोगों को ऊपर जाना है और पठान बाबा के दरगाह का आप सभी लोगों को ज्यारत करवाएंगे, जो कि काफी भयंकर रास्ता है, जो कि आप लोग आखिरी तक वीडियो में देखेंगे। ज्यारत करना बाकी है और आप सभी लोगों को पठान बाबा के दरगाह का ज्यारत करवाना बाकी है। तो आइए चलते हैं सीधे पठान बाबा के दरगाह के पास, एडवेंचर से भरपूर। यहाँ जाने में तो हमें लगता है कि हालत हमारा खराब होगा इस बार, क्योंकि बहुत खतरनाक लोकेशन पे है दरगाह। तो आइए चलते हैं वहां पे। तो अभी दोस्तों आधा दूर आ चुके हैं, जा रहे हैं हम लोग पठान बाबा के दरगाह पर, जो कि देख सकते हैं दोस्तों कितना खतरनाक लोकेशन पे पठान बाबा का दरगाह है। अभी आधा दूर हम लोग आ चुके हैं, अभी आधा दूर और जाना है, जो कि हालत ख़राब हो गया दोस्तों हम लोगों का, क्योंकि धूप इतनी तगड़ी पड़ रही है और इतनी खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना है, जो कि रास्ता भी नहीं बनाया गया है वहाँ पर चढ़ने के लिए, जो कि पहाड़ का सहारा लेकर चढ़ना है। अगर हम लोग गिरे नीचे ना, तो कसम बता रहे हैं हमारा कुछ पता नहीं चलेगा। बस आप लोगों के दुआओं के वजह से हम लोग इतना मेहनत और इतना रिक्स लेकर इतने ऊपर पहाड़ पर जा रहे हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए और दरगाह का ज्यारत करने के लिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, जो कि हम लोग कल का आए हुए हैं लेकिन अभी तक इस दरगाह पर पूरा कम्प्लीट नहीं कर पाए हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं। तो आइए चलते हैं ऊपर। तो अभी दोस्तों आधा से ज़्यादा हम लोगों ने पहाड़ को कंप्लीट कर लिया है, अब बस थोड़ा सा ऊपर बाकी है। देख सकते हैं ऊपर, बहुत ऊपर चोटी है और ये भाई ऊपर से आ रहे हैं पठान बाबा का दरगाह का ज़ियारत करके। तो इनसे पूछते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। तो क्या भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहिदुर शेख। साहिदुर शेख कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल। बंगाल, हाँ। वाह माशाल्लाह। हाँ। तो वहाँ ज़ियारत करके आ रहे हैं पठान बाबा का? हाँ, ऊपर गया, सबसे ऊपर जो टेरिस इसका ऊपर जो है ना, हाँ। इसका ऊपर गया तो माशाल्लाह बहुत नज़ारा अच्छा है, एकदम चारों साइड दिखने में मिलता है उधर। अच्छा, सुभानअल्लाह माशाल्लाह। ऊपर सबसे ऊपर गए थे, वो जो चोटी दिख, हाँ, रहा है, हाँ, वाह देखिए दोस्तों सबसे ऊपर ये कंप्लीट करके आ रहे हैं ये लोग। हम लोग भी कोशिश करते हैं जाने के लिए, आसानी से जा सकते हैं ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा दिक्कत है कि ऐसे पहाड़ है। अच्छा, खड़ा पहाड़ है। हाँ, खड़ा है मतलब। संभल के चलना, चलिए संभल के। बढ़िया है, देखते हैं दोस्तों हम लोग वहाँ पर जा पाते हैं कि नहीं।
अभी तो पहले चलेंगे आप सभी लोगों को पठान बाबा का दरगाह का ज़ियारत करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चलने का कोशिश करेंगे, अगर जाना रहेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर नीचे उतरेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। ओके ओके। तो अभी दोस्तों फाइनली ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया, जो कि यहाँ से अब चढ़ना नहीं है, कुछ ही दूर पर पठान साहब बाबा का दरगाह है। तो फाइनली हमने ट्रैक ये कंप्लीट किया, इधर देख सकते हैं कितना नीचे से हम लोग आए हैं, जो कि अपने लाइफ का सबसे बड़ा एडवेंचर आज हमने तय किया है, जो कि बहुत नीचे से आ चुके हैं ऊपर, और अभी चलते हैं सीधे पठान बाबा के दरगाह पर। तो आइए, फाइनली हम आ चुके हैं पठान बाबा के दरगाह पर, जो कि ये दरगाह मैंने आपको बताया था कि इस पहाड़ पर सबसे ऊपर जो दरगाह है वो पठान बाबा का दरगाह है। तो फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं, जो देख सकते हैं दोस्तों इधर पहाड़ का देखते थे कितना डेंजरस लोकेशन पे मौजूद, ये ख़तरनाक लोकेशन पे मौजूद ये दरगाह है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये दरगाह दोस्तों पहाड़ के नीचे बना हुआ है, जो कि देख सकते हैं इधर इस तरफ दरगाह शरीफ है। और ये रहा दोस्तों, यहाँ पर एक कुआं मौजूद है जो कि यहाँ से भी पानी निकाला जाता है पीने के लिए। और ये दोस्तों ये जो देख रहे हैं जो कि धागा बांधा गया है यहाँ पर, जो कि अगर यहाँ पे जो लोग आते हैं मन्नत वगैरह मांगते हैं तो वो धागा यहाँ पे अपने मुरादों को पूरा करने के लिए यहाँ पे धागा बांधते हैं। तो आइए थोड़ा सा और अंदर से आपको पठान बाबा का दरगाह का ज़ियारत करवाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों पठान बाबा का दरगाह है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हज़रत हाजी, जो कि पठान बाबा के नाम से इनका बस फेमस है, लेकिन इनका पूरा नाम जो है हज़रत हाजी अब्दुल रहमान बाबा, मतलब हज़रत हाजी अब्दुल रहमान हाजी उर्फ अब्दुल रहीम उर्फ हज़रत खान बाबा पठान बाबा, जो कि पठान बाबा का, जो कि ये रहा दोस्तों पहाड़ के नीचे, जो कि इससे पहले हमने आप सभी लोगों को नीचे जो दरगाह शरीफ था गुफे वाले बाबा के नाम से, तो उनका जो दरगाह था दोस्तों वहाँ पे हम सिर्फ बैठ सकते हैं, अंदर जा कर के खड़ा नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पठान बाबा का दरगाह है सबसे ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं खड़ा होने के बाद करीब एक बित्ते का जगह बसता है यहाँ पे, जो कि देख सकते हैं हज़रत पठान बाबा का दरगाह। इस तरफ से आपको जो यहाँ पर पावड़ी बोला जाता है, ये देख सकते हैं पावड़ी, देख सकते हैं इसमें मछलियाँ भी हैं, छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ पठान बाबा के दरगाह के पास, जो कि ज़ियारत वगैरह मैंने पूरा मुकम्मल कर लिया है, जो कि अभी मैं सबसे टॉप पर हूँ। पठान बाबा का दरगाह जो है सबसे टॉप पर है, इसके ऊपर और ऊपर पहाड़ी है, लेकिन ऊपर दरगाह वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ़ अगर आपको घूमने जाना है तो ऊपर जाकर आप घूम सकते हैं। दोस्तों इस यहाँ पर जितने भी दरगाहें थे सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लोर करके दिखा लिया, जो कि अब यहाँ से दोस्तों हम चलते हैं नीचे, यहाँ से अब हम लोग चलते हैं नीचे, क्योंकि अभी हम लोगों को 4 से 5 घंटा लगेगा नीचे उतरने में, जो कि शाम हो जाएगा उतरने में, और 70 किलोमीटर हम लोगों को जाला है नाला सोपड़े, जो कि काफ़ी देर हो जाएगा। तो अब दोस्तों मैं यहाँ से उतरते टाइम का वीडियो कोई नहीं बनाऊँगा, आप सीधे मैं आप सभी लोगों से मिलूँगा नीचे। तो चलिए सीधे नीचे चलते हैं। तो अभी दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं नीचे, जो कि करीब हम लोगों को 2 घंटा लगा नीचे उतरने में, जो कि यहाँ देख सकते हैं ये लास्ट दरगाह है पांच पीर बाबा का, जो कि यहाँ से हम लोग गए ऊपर और सबसे लास्ट वाले चोटी से
ऊपर होते हुए सारा कुछ एक्सप्लोर करते हुए आ चुके हैं हम लोग फाइनली बस स्टैंड पे। ये रहा दोस्तों बस स्टैंड, और यहाँ पर हम पहुँचे हैं रात को 8 बजे, जो कि उतरने में हम लोगों का हालत ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी भी हम लोगों को जाना है यहाँ से 70 किलोमीटर दूर। समझ लीजिए अभी उतरने में हालत ख़राब हो चुका है, लेकिन अभी जाना है 70 किलोमीटर दूर। अभी क्या होगा ऊपर वाला ही जाने। लेकिन फाइनली सही सलामत हम लोग आ चुके हैं, और इस दरगाह पर दोस्तों हाजी मलंग दरगाह पर जो कुछ भी हम लोगों से छूटा होगा अगर बनाने में, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस चीज़ को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ बस स्टैंड पर, जो कि यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं, जो कि 10 मिनट में आ जाएगी बस। उससे हम लोग यहाँ से कल्याण जाएंगे, कल्याण से जाएंगे दादर, दादर से जाएंगे नाला सुपारा। तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ पर एंड करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है तो आप लोग भी बोर होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों करते हैं यहीं पेंट। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई MD आसिफ UP वाला को सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, खुदा हाफिज़, बाय बाय।